फ्रेंड्स, मैंने रात में आपको एक वीडियो दिया था जहाँ पे आपने यहाँ पे आपको 2000 प्लस का मैंने प्रॉफिट बताया। इसके अंदर मैंने कई ऑफर कवर कर दिए हैं, ठीक है, 5 से 6 7 ऑफर मैंने कवर किए हैं। यदि आपने वाली वीडियो नहीं देखा देख लीजिए, जहाँ पे आपको 2 से 3 ऑफर इसके अंदर कन्फ्यूजन हो गए। पहले ऑफर जो है पॉकेट्स ऐप की तरफ मैं बता दूँ, अपडेट पॉकेट्स ऐप में क्या आपको यहाँ पे जो बताया जा रहा है टर्म एंड कंडीशन उसके बारे में आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, पॉकेट्स ऑफ में जो ऑफर चल रहा है तो मैंने आपको कल अपडेट दिया था, वीडियो नहीं देखा तो पार्ट 1 पहले देख लिए, काफ़ी ऑफर उसके अंदर लाइव है, ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको कैशबैक ऑफर के बारे में बताया। जो कैशबैक ऑफर मिल रहा है 50-50 रुपये करके, इसमें आपको ट्रांजैक्शन करना होगा। कैसे करना है पार्ट 1 वीडियो देख लिए, देखने के बाद जस्ट इसमें टर्म कंडीशन बता दें इसमें कैसे मिलेगा। इसमें आपको 50-50 रुपये करके आपको अनलिमिटेड मिलेगा हर एक घंटा। इसमें कोई ये नहीं बताएगा कि आपको महीने में 2 बार मिले 3 बार, ऐसा कोई टर्म कंडीशन नहीं। आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। आपको एवरी आवर एवरी घंटा आपको यहाँ पे फर्स्ट, यदि 25 यूज़र्स के बीच में आपका नाम आ जाता है, मतलब 25 यूज़र्स अगर मान लीजिए 1 घंटा स्टार्ट हुआ, अभी 1 घंटा जैसे स्टार्ट, जैसे अभी 9:28 हो रहा है, 10 जैसे बचेंगे, 10 बजते ही 10:10 15 सेकंड या 10:01 के अंदर आपने ट्रांजैक्शन कर लिया और आपका 25 लोग के अंदर आप अगर आ गए तो आपको इसके लिए 50 मिल जाएगा। सिंपल सी बात। अगर आपके पास 2 से 3 नंबर है तो 2-3 नंबर बना लीजिए और अनलिमिटेड लूट लीजिए। पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लीजिए, जहाँ मैंने आपको बता रखा। दूसरा जो ऑफर का कन्फ्यूजन हुआ है अकूडो की तरफ से, फ्रेंड्स मैंने कल आपको ये ऑफर बताया जहाँ पे आपको 10% हिसाब से कैशबैक मिल रहा है। यहाँ पे आपको मिलेगा पर ट्रांजैक्शन 100, लेकिन मैक्सिमम जो कैशबैक मिलेगा 500। लेकिन आप लोग के ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा है कि हम इसको कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे और कहाँ पे करेंगे और कैसे हम इसको बैलेंस को निकालेंगे। हम चलिए पूरी कंडीशन को इसमें समझा देते हैं, जहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अकूडो बैलेंस टू बैंक ट्रांसफर ट्रिक के बारे में। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 12% का फायदा हो जाएगा। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया तो 2% आपको UPI एड मनी करने पे, 10% आपको यहाँ पे, टोटल 12% का फायदा हो जाएगा। फ्रेंड, 10% वाला ऑफर आपको लूटने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रांजैक्शन करना होगा। ट्रांजैक्शन कहाँ करना है चलिए मैं आपको बता देते हैं। फ्रेंड, जो ट्रांजैक्शन आपको करना पड़ेगा अमेजॉन पे आपको एक ऑर्डर करना होगा और ऑर्डर को आपको कैंसिल नहीं करना। आपको कौन सा ऑर्डर करना है ये जो प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, इस प्रोडक्ट को जाकर ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद जिसको वैल्यू है 1000 को ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पर ट्रांजैक्शन 100 रुपये मिलेगा। तो 100 रुपये अगर पूरा चाहिए तो 1000 को ऊपर का रखिए, यदि 100 रुपये पूरा नहीं चाहिए तो आप 749 रुपये है तो 749 रुपये का ही ले सकते हैं, जिसमें आपको समथिंग 77 रुपये का आपको यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1000 को ऊपर करना है तो मुझे 1498 रुपये प्रोडक्ट हो गया है, क्योंकि इससे नीचे प्रोडक्ट है ही नहीं है और यही प्रोडक्ट मुझे लेना है। अब मैंने लेने के बाद जस्ट क्या किया, प्रोसीड टू बैग सेक्शन में क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको क्लिक करने में एड्रेस वगैरह डाल देना, डालने के बाद जस्ट आपको पेमेंट पेज पर आने के बाद अकूडो का जो कार्ड है उससे पेमेंट आपको कर देना होगा। वीज़ा डेबिट कार्ड डालने के बाद पेमेंट कर देना, पेमेंट करने को जस्ट ऑर्डर आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। होने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे व्यू ऑर्डर के सेक्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने को जस्ट आपको यहाँ पे आपको नीले मिल जाएगा नीचे कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन, कैंसिल वाले ऑर्डर वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जस्ट ने कि भाई ऑर्डर आप यहाँ पे किए होंगे आपको दिख जाएगा, उसका फिर आपको रिफंड किस में चाहिए तो आपको जस्ट यहाँ पे ऐड टू यहाँ पे योर अमेजोन वाले सेक्शन में क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे चेक, यहाँ पे आपको कैंसिल चेक आइटम वाले सेक्शन में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जस्ट आप यहाँ पे देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ, पूरा स्टेप बाय समझिए। यहाँ पे आपका योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और जो आपका बैलेंस होगा वो आपके अमेजॉन पे में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे देख लीजिए मैंने जितना भी ऑर्डर यहाँ पे किया, जैसे 5243 रुपये का मैंने किया था डेबिट कार्ड से, और मेरा जो पैसा हो देखिए मेरे अमेजॉन पे बैलेंस आ गया। इसको निकालने का ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, इस पैसे को निकालने के एफ पे ऐप का यूज़ करना होगा। ये क्यों बता रहा हूँ अभी समझ लीजिए। यहाँ पे अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, होली ऑफर, जहाँ पे आप UPI ट्रांसफ़र फ्री कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो UPI ट्रांसफ़र फ्री करना वो है आपका टाइम जो है 4 बजे से पहले, मतलब सुबह कर सकते हैं लेकिन 4 बजे से पहले कर सकते हैं, ठीक है, उस 4 बजे के बाद नहीं कर सकते, इनका कुछ इशू चलता है, मतलब दिन में ही करना है। अब कैसे करना है समझ लीजिए, ऐड मनी वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे। अभी आपको यहाँ पर चार्ज दिखा दे रहे हैं कितना लग रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए 100 रुपये करते हैं तो 5 रुपये करता है, मतलब 5% हिसाब से। लेकिन अभी यहाँ पर कमाल देखिएगा, 1000 करेंगे तो आपका यहाँ पे चार्ज और कम हो जाएगा, आपका 2.5% हिसाब से लगेगा। लेकिन यदि आप यहाँ पे 10000 रुपये करते हैं तो आपके यहाँ पे 200 रुपये फ्लैट चार्ज कटेगा, और यदि आप यहाँ पे 20000 करते हैं तो भी आपको यहाँ पे देखिए 20000 करने पे भी फ्लैट 200 रुपये आप देखिए फ्लैट चार्ज आपका कटेगा। उसके बाद यदि आप 30000 रुपये करते हैं तब भी आपका फ्लैट 200 रुपये ही कटेगा। तो जितना भी बैलेंस होगा सब अमेजॉन में इकट्ठा कर लीजिएगा और इकट्ठा करके डायरेक्टली आप पूरा बैलेंस यहाँ से निकाल लीजिएगा। जितने अकूडो बैलेंस पड़े तो इकट्ठा कर लीजिए, उसका इकट्ठा निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं बैलेंस इकट्ठा कर लिया हूँ, मेरा तकरीबन 16000 रुपये हो चुका है, मैं 16000 रुपये यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैलेंस देख सकते हैं आप।
फ्रेंड्स यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि 10,000 रुपये से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आपको, 10,000 रुपये पे 200 रुपये चार्ज कट रहा है कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका बहुत कम चार्ज है। 10,000 का 200 रुपये कितना चार्ज होता है आप कैलकुलेट कर लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे आ चुका, आने के बाद मैं यहाँ 10,000 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ, तो 10,200 रुपये मेरा पेमेंट होगा। और जस्ट आपको यहाँ पे ई वैलेट का ऑप्शन देखने को मिले, ई वैलेट वाले सेक्शन में क्लिक कर देना। जैसे फ्रेंड्स ई वैलेट सेक्शन में क्लिक करेंगे, जस्ट आपको यहाँ पे अमेजॉन पे का ऑप्शन देखने को मिल जाए, अमेजॉन पे से पेमेंट कर देना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑफर और मिल जाएगा, जहाँ आपको 25 रुपये अप टू 25 रुपये आपको कैशबैक मिलेगा, 100 रुपये मिनिमम ट्रांजेक्शन करने पर, तो आपको यह भी एक ऑफर यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 10,200 रुपये आपको यहाँ पे चला जाएगा और डायरेक्टली आप UPI ट्रांसफर फ्री में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड अमेजॉन अकाउंट आप लॉगिन कर लीजिएगा, सक्सेस हो चुका है। तो फ्रेंड्स वॉलेट में मेरे देख लीजिए यहाँ पे कितना हुआ, 10,087 रुपये यहाँ पे पड़े हुए। अब मैं इसको निकालने के लिए यहाँ पे के सेक्शन में क्लिक करूँगा और UPI वाले सेक्शन में क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 10,000 यहाँ पे UPI ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मेरा चार्ज है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0% है। देख लीजिए आप, 0 लग रहा है। ठीक है, यदि आप FPA एप्लीकेशन को नहीं जानते तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फटाक जाकर साइनअप कर लीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। यहाँ पे आपको UPI डाल देना होगा, यहाँ पेटीएम सेलेक्ट करके डायरेक्टली आपका नाम वगैरह आ जाएगा, सबमिट करके पेमेंट कर दीजिए, इंस्टेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रिमार्क में आपको यहाँ पे कुछ डाल देना, किसी का नाम डाल देना है या अपना ही नाम डाल दीजिएगा। जैसे सबमिट वाले सेक्शन में क्लिक करें, आपको MPIN डालने के लिए बोलेगा, तो MPIN अपना डाल लीजिएगा जो भी आप बनाएंगे अकाउंट बनाते समय। यदि आप अपना MPIN भूल गए तो आप प्रोफाइल वाले सेक्शन में आ जाइए, आने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे फॉरगेट MPIN का ऑप्शन होगा, फॉरगेट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपका जो MPIN होगा वो आपके डायरेक्ट मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स देखिए मुझे UPI के ट्रांसफर के थ्रू मेरा 10,000 मेरे अकाउंट में चला गया फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ ओनली 200 रुपया चार्ज कटा है। तो 10,000 रुपये का 200 कितना होता आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना मेरा परसेंटेज चार्ज कटा हुआ। फाइनली फ्रेंड्स मुझे 10,000 रिसीव भी हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं 10,000 मैंने रिसीव किया ओनली 200 रुपया चार्ज देकर, मतलब 2% के हिसाब से चार्ज दिया है और 10,000 रिसीव हो गए इंस्टेंट। और मैं आपको बता दूं इसमें आपको करना क्या होता है, सिंपल सा कुछ नहीं, आप जाइए आपका जो अकूडो में है वो ट्रांजेक्शन आपको 5 बार में करना होगा। ध्यान रखिएगा 5 बार में करिएगा तभी आपको कैशबैक मिलेगा, नहीं तो नहीं। 5 बार में आपको करना होगा, 1200 को के ऊपर का ट्रांजेक्शन आप करिएगा 5 बार। ठीक है, तो 1200 इस तरह 5 बार कर लीजिए, करने के बाद अमेजॉन में बैलेंस पूरा आ जाएगा, आने के बाद फिर उसको इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए इसमें 10,000 की ही लिमिटेड, 10,000 ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते UPI की बात करें तो। और 2% के साथ आपको जो चार्ज कट रहा है वो ठीक है उतना ही है, और रही बात 10,000 की ही लिमिट में लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं निकाल पाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास FPA का 2 से 3 अकाउंट है तब तो बहुत अच्छी बात, आप निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स प्रूफ के लिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए मेरा प्रूफ है, यहाँ पर भी मैंने बैलेंस निकाल लिया। तो फ्रेंड्स मेरा एक अकूडो में अकाउंट में मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर लिया, मेरा ये दूसरा अकूडो अकाउंट है, अब इसमें मैं ऐड मनी करके अब इसमें भी मेरा ट्रांजैक्शन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स UPI से अगर आप ऐड मनी करेंगे तभी आपको यहाँ पे 2% के हिसाब से कैशबैक मिलेगा। बस ध्यान रखिएगा पेटीएम का UPI ID नहीं होना चाहिए, पेटीएम का बैंक होना चाहिए, नहीं तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स एक कंडीशन में आपको कैशबैक मिल जाएगा, यदि आप वहाँ से रिक्वेस्ट कर देते हैं अपने पेटीएम में और डायरेक्टली आपको पेमेंट यहाँ से कर देते हैं तो आपको कैशबैक मिल जाएगा 2% के हिसाब से ऐड मनी करने पर। फ्रेंड्स मैंने ऐड मनी कर लिया, ऐड मनी करने का देखते हैं मुझे कितना मिला। तो मैंने यहाँ पे जो ऐड मनी की वो की है 7 यहाँ पे किया है 7,000 रुपये, तो 7,000 रुपये मतलब 7,000 रुपीज़ मैंने किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा बैलेंस पड़ा 7,301 रुपये, इसको मैंने निकालने के लिए मैं यही करूँगा 1250 के ऊपर का ट्रांजेक्शन मैं करता रहूँगा, 5 बार ट्रांजेक्शन करूँगा, इसके लिए मुझे कैशबैक मिल जाएगा 500 रुपये। फ्रेंड्स पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया, आई होप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्रोडक्ट लिंक मिल जाएगा, फटाक से जाइए 1250 रुपये करके ट्रांजैक्शन कर लीजिए और अच्छा खासा कैशबैक अर्न कर लीजिए, जितने नंबर पड़े उतने नंबर से लूट लीजिए।